अगर कोई बहुत ही शिकस्ता हाल है, परेशान हाल है, तंगदस्त है, माली तंगी है, जो तंगदस्ती में परेशानियों के अंदर मुब्तला है, बीमारियों में है, तो ये वजीफ़ा सुन लीजिए। और ये वो वजीफ़ा है जो महबूब अलैहिस्सलाम से साबित है। क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ जा रहा था, इस तरह के मेरा हाथ नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ में था। तो इस तरह से हम जा रहे थे, एक शख्स के पास से गुजर हुआ जो नहायत ही शिकस्ता हाल और नहायत ही परेशान हाल था। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? उसने कहा, बीमारी, बेरोज़गारी, माली तंगी, ये वसाइल, महंगाई वगैरह जो हमारे आज मामलात हैं, ये सब इस तरह की कुछ बात की। फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे चंद कलिमात ना बताऊं? देखो, मैं तुम्हें ऐसे चंद कलिमात बता देता हूं, अगर तुम पढ़ोगे तुम्हारी बीमारी भी चली जाएगी और ये तंगदस्ती भी चली जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, एक परेशान हाल की बात सुन के, तुम ये पढ़ोगे ना, तुम्हारी बीमारी भी जाएगी और तुम्हारी तंगदस्ती भी जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया कि ये पढ़ा करो। वो क्या चीज थी? तवक्कलतु अलल हय्यि अल्लज़ी ला यमूत, तवक्कलतु अलल हय्यि अल्लज़ी ला यमूत। ये एक दफा पढ़ना है, मैंने तो बार बार इसलिए पढ़ लिया कि याद हो जाए जरा। तवक्कलतु अलल हय्यि अल्लज़ी ला यमूत, और आगे यही आयत 111 नंबर, وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا। सिपारा नंबर 15 सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 111 और सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत। तो तंगदस्ती, बीमारी, परेशानी दूर करने का नबवी वजीफा सुन लीजिए। ये बंदा बहुत ही परेशान था जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने ये बातें बताई, वो क्या वजीफा है? तवक्कलतु अलल हय्य अल्लज़ी ला यमूत। और आगे आखिरी आयत, वकुल अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलीयुन मिनज़ ज़िल्ली वकब्बिरहू तकबीरा। सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत। इस तरह की कोई बात बता दी जाती है ना, तो फिर लोग अगला सवाल करते हैं, कब पढ़ें, कितनी दफ़ा पढ़ें और कितने अरसे तक पढ़ते रहें। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। अब हदीस में तो इसका जवाब नहीं है, अब क्या किया जाए? भाई, ऐसी कोई चीज़ मिले तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ें, और पढ़ते रहें, ज़िंदगी भर भी पढ़ते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? हम ये चाहते हैं कि 15 दिन में ही काम हो जाए, नहीं, हम मांगते रहें, अल्लाह से करते रहें, हर नमाज के बाद पढ़ लें, सुबह शाम 3 दफ़ा पढ़ लें और पढ़ते रहें। तो बहुत लोग चाहते हैं कि हम बता दें कितने दिन पढ़ना है। भाई, हदीस में तो दिन नहीं है, आप 40 दिन पढ़ लें अपनी मर्ज़ी से, आप 6 महीने पढ़ लें अपनी मर्ज़ी से। तो लेकिन इसकी आदत बना लें आपको अपनी ज़िंदगी का, सुबह शाम का अमल बना लें, एक दफ़ा सुबह पढ़ लें, एक दफ़ा शाम पढ़ लें और ज़िंदगी भर पढ़ते रहें, तो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।